हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अनेक विषयों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम सब जानते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पिछले 7 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर दिल खोलकर विकास के कार्य किए हैं। जम्मू कश्मीर की जनता की समस्याओं का अगर किसी ने समाधान किया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को यहाँ मजबूती दी गई। यहाँ जिला परिषद के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, पंचायतों के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, जिसमें चाहे राष्ट्रवादी डोगरा समाज हो, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से पीओजेके के रेफ्यूजीज हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हो, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले दलित समाज के, एससी समाज के, गोरखा समाज के, वाल्मीकि समाज के बंधु हो, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले गुज्जर बकरवाल समुदाय के हमारे भाई बहन हो, पहाड़ी समुदाय के लोग जो रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, कुपवाड़ा के रहने वाले हो, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी मातृशक्ति है, माताएं बहनें हैं, समाज के हर वर्ग की चिंता और समाज के हर वर्ग के साथ न्याय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया। आज जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सर्वदलीय बैठक 24 जून को बुलाई है, ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के समकक्ष सभी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल मिलकर यहाँ की जनता को आ रही समस्याएं, जनता के विषयों को, अलग अलग क्षेत्रों के विषयों को अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के समकक्ष रखेंगे। मैं स्वयं और भारतीय जनता पार्टी के बाकी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन जिन वरिष्ठ नेताओं को 24 जून नई दिल्ली ऑल पार्टी मीटिंग जो जम्मू कश्मीर पर होने वाली है, जिनको भी निमंत्रण मिला है, वो उस बैठक में भाग लेंगे और खुले मन से उस बैठक के अंदर चर्चा करेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से, बड़े मन से बैठक बुलाई है तो सभी को खुले मन से और बड़े मन से जम्मू कश्मीर की जनता के हित में और राष्ट्र हित में, देश हित में इस बैठक में हिस्सेदारी करनी चाहिए और सकारात्मक भाव से जम्मू कश्मीर की लोगों की चिंता जो हम करते हैं उन विषयों को उस बैठक के अंदर हम सब रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं जो इस प्रकार की अति महत्वपूर्ण बैठक 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बुलाई गई है और जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं को उसमें बुलाया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं, वो अलगाववादियों से बातचीत चाहते हैं और साथ ही भी उन्होंने ये भी कहा है कि 370 को वापस लाया जाएगा, इसकी बात वो रखेंगे। बहुत अच्छी बात है कि सभी राजनीतिक दल 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में है उसमें सभी राजनीतिक दलों ने जाने का मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले से ही इस बैठक में जाने के लिए अपनी हां भरी है। चूंकि यह अति महत्वपूर्ण बैठक है और ऑल पार्टी मीटिंग की एक सेंटिटी होती है, जो भी विषय उस बैठक में रखे जाएंगे, चूंकि उस बैठक को चेयर माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, वो सभी विषय जो जम्मू कश्मीर की जनता के हित में होंगे हम उन
सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर भारत देश का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते पिछले 35 वर्षों में लाखों बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी सिखों को और कश्मीर के राष्ट्रवादी मुसलमानों को बंदूक की नोक पर इन पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने वहां से पलायन करने पर मजबूर किया। जम्मू कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तानी हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसता है। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में देश का तिरंगा झंडा बसता है। इसलिए हम सबको मिलकर अपने देश, अपने भारत, अपने हिंदुस्तान, अपने राष्ट्र और अपने तिरंगे झंडे, महबूबा की मांग पर क्या कहें, अपने तिरंगे झंडे को बुलंद करने की बात रखनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा संकल्प है उसको मजबूत करना चाहिए। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है और जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे को हिंदुस्तान से प्यार है। इसलिए हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता के हित की बात वहां हम रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हर वर्ग की बात वहां रखेगी। अपने देश की बात, अपने राष्ट्र की बात हम करेंगे। हम सब जानते हैं कि 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। पाकिस्तान ने तो जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की। वो तो हमारी भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और हमारे केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हमेशा राष्ट्रवाद को और देश को मजबूत किया और देश दुश्मन ताकतों को कड़ा जवाब दिया और प्रहार किया। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, जब चर्चा के अंदर उस बैठक में आएंगे तो वहां उस बैठक का विषय होगा, वहां करेंगे।